वेदी हेयर फ्रॉम शेड्स इंटरनेशनल ए क्लस्टर ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। आज हम कार्डबोर्ड ट्यूब से पेंसिल स्टैंड, पेन स्टैंड, छोटी छोटी चीजों के रखने के स्टैंड बनाना सीखेंगे। करते हैं स्टार्ट। ये देखिए, मैंने ये कार्डबोर्ड ट्यूब्स ली हैं। इस तरह की कार्डबोर्ड ट्यूब्स हैं, आप देख सकते हैं। और फिर मैंने इसी के साइज के ये ढक्कन काट लिए हैं। इस तरह से ये कार्डबोर्ड ट्यूब से ही काटे हैं, आप देख सकते हैं। इस तरह के मैंने इनके साइज के ढक्कन काटनी है। तो आप करते हैं स्टार्ट। इन्हीं के साइज की मैंने ये इस तरह की शीट्स काट ली हैं, इसके बराबर की। इस तरह की आप देख सकते हैं, ये मैंने शीट ली है इस तरह से इनके बराबर की। तो करते हैं स्टार्ट। ये देखिए, ये इसके बराबर की शीट ली है। इसे हम यहाँ चिपकाएंगे, ऐसे ग्लू लगाएंगे हम यहाँ पर, और एक सिरा चिपका देंगे इस तरह से। इसको गोल घुमाते हुए, बीच में अगर आपने लगानी है तो लगा सकते हैं, वैसे जरूरत भी नहीं पड़ती। फिर इस तरह से खींचते हुए ना, रबड़ शीट को खींचते हुए, फोम है ये, इसको खींचते हुए इसके किनारे पर ग्लू लगाएंगे, और खींचते हुए इसको यहाँ पर इस तरह से बंद कर देंगे। देखिए, इसकी लुक ही बदल जाती है इस तरह से करने से। फिर इसके साइज का जो भी कार्डबोर्ड हमने काट कर रखा है, नीचे वाला हिस्सा, इस तरह से ये लेंगे और यहाँ पर ग्लू लगा कर इसको चिपका देंगे। आपकी छोटी छोटी चीज़ें जो इधर उधर आपकी गुम हो जाती हैं या इधर उधर पड़ी रहती हैं, उनको रखने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। आप देखें, इस तरह से इसको बंद कर दें। देखें ये कितना सुंदर स्टैंड बन जाता है। आप इसको और भी कुछ डेकोरेट करें ना करें, तब भी आपकी चीज़ें इसमें बिल्कुल संभल के ऐसे अच्छी तरह से रह जाती हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत बड़े स्टैंड के अंदर छुप जाती हैं, अगर ये मैं पेंसिल इसके अंदर डालूं तो मिलेगी नहीं, तो यहाँ डालूंगी तो ये मिल जाएगी। तो इसलिए इस तरह के स्टैंड भी बहुत ज़रूरी है। ये मैं इसके अंदर सीजर डालूंगी, अंदर चली जाएगी, यहाँ डालूंगी तो ये दिखेगी, मिल जाएगी। तो छोटी चीज़ों के लिए छोटे स्टैंड भी बहुत ज़रूरी होते हैं। इनको हम डेकोरेट कर सकते हैं, इस तरह की किसी डोरी से कर सकते हैं डेकोरेट, इस तरह के पाइप क्लीनर से कर सकते हैं डेकोरेट। मैं आपको इससे करके दिखाती हूँ। इसके ऊपर ग्लू लगाएंगे जरा सी इस तरह से, और ये पाइप क्लीनर इसके ऊपर चिपका देंगे। ये वायर होती है, वूल वायर, बड़ी आसानी से हर जगह मिल जाती है, क्राफ्ट की दुकानों पे भी मिल जाती है। इस तरह से आप घुमाते जाएं और इसे लगाते जाएं, बड़ी आसानी से देखिए ये लग जाएगी। ये जिधर घुमाएंगे उधर ही घूम जाती है। ये देखिए, इस तरह से घुमाते घुमाते आप ग्लू लगाते जाएं और इसको इस तरह से घुमा के यहाँ तक ले आए, और जो बचा हुआ हिस्सा है आप उसको काट दें इस तरह से। तो ये हमारी बहुत सुंदर पाइप क्लीनर के साथ, देखो किनारा भी इसका छुप गया और ये बहुत सुंदर हमारा स्टैंड बन गया, आप देख सकते हैं। अगर आप इसको बाहर से भी डेकोरेट करना चाहें, थोड़ा जैसे आंखों को अच्छा लगे, तो आप इस तरह के यही पाइप क्लीनर हम नीचे भी लगा सकते हैं। नीचे भी लगाने से और भी सुंदर लगेगा। ये देखिए, ये वायर है, इस तरह से मैं इसको नीचे भी लगा सकती हूँ। देखिए, यहाँ नीचे ग्लू लगाकर मैं इसको यहाँ घुमाऊंगी इस तरह से, घुमाते जाएं आप इस तरह से और थोड़ी थोड़ी ग्लू लगाते जाएं। यहाँ पर ग्लू लगा कर जितना एक्स्ट्रा हिस्सा आप काट दें इस तरह से, तो ये हमारा ऊपर नीचे दोनों तरफ लग गया। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर हो जाता है। आप चाहें तो जिधर भी डोरी भी लगा सकते हैं, रिबन भी लगा सकते हैं, पाइप क्लीनर भी लगा सकते हैं, जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। फिर अगर आप इसको और भी डेकोरेट करना चाहते हैं, तो इस तरह के कोई भी आपके पास अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो आप वो लगा सकते हैं। जैसे ये मैंने यहाँ पर लगा दिए, यहाँ लगा दिए। इसमें मैंने ये प्लेन लेकर, ये प्लेन मैंने लिया है, प्लेन के ऊपर मैंने छोटी सी बिंदी लगा दी इस तरह से, ये ब्लैक फॉर्म की बिंदी इस तरह से लगा दी है। तो ये इस तरह से बनाया है, तो यह मैं यहाँ पर ऐसे लगा दूंगी। देखिए, यहाँ पर लगा दिया मैंने ये। इस तरह से आप लगा दें तो बहुत सुंदर आपकी लुक आ जाएगी और बिल्कुल आपका डिफरेंट आपका स्टैंड बन जाएगा। देखिए,
देख सकते हैं आप कितना सुंदर बना है ये स्टैंड। देखिए आप इसमें कुछ भी सामान रख सकते हैं, इस तरह की सीजर, इस तरह की सीजर हो गई, इस तरह के प्लास हो गए, कोई भी चीज़ आप रख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको दिखेंगी लेकिन लंबे पेंसिल बॉक्स में आपको नहीं दिखती हैं। तो ये इस तरह से, इस तरह की छोटी चीज़ें रखने के लिए स्टैंड बन गया। तो आप भी इसी तरह से कार्डबोर्ड ट्यूब से कुछ अच्छा सा बनाइए। गुड लक।